अब फिर हम लोगों ने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, और साइन 90 प्लस 60, साइन ऑफ 150 डिग्री कैसे सॉल्व करना है। साइन 150 डिग्री, अभी तक हमने सिर्फ एडिशन का फॉर्मूला पढ़ा, सब्ट्रैक्शन हमने पढ़ा नहीं है। सब्ट्रैक्शन यूज करने का ट्राई मत करना, बहुत लोगों ने इसमें सब्ट्रैक्शन यूज करने का ट्राई किया, उससे कुछ गलत होने लगा आंसर। तो अगर एडिशन के फॉर्म में लिखना है 150 को, तो क्या लिख सकते हैं 150 को? 150 कैन बी रिटन एज 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री। इसका फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, साइन ऑफ ए प्लस बी, ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो साइन ए साइन ऑफ 90 डिग्री इज 1 मल्टीप्लाइड बाई कॉस ऑफ 60 डिग्री इज हाउ मच? कॉस 60 डिग्री इज 1/2। प्लस कॉस 90 इज 0 एंड साइन 60 जो भी रहे मतलब ही नहीं है, 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 ही बन जाना है सेकंड टर्म। इसका आंसर आ जाएगा 1/2, साइन 150 डिग्री इज 1/2। ये बहुत काम आता है, ये बहुत काम आता है 11th की फिजिक्स में। ओके, चलो अब हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला पे आते हैं। फॉर्मूला हमने सीख लिया, अब नेक्स्ट फॉर्मूला पे आते हैं, सब्ट्रैक्शन वाला फॉर्मूला। साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या है? साइन ऑफ ए माइनस बी पता होता तो तुम्हारा वो मिस्टेक नहीं होता जो तुमने मिस्टेक किया था मुझे पहले। फॉर्मूला क्या है साइन ऑफ ए माइनस बी? इसका फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। और जब कुछ भी नहीं लिखा इनके बीच में, इसका मतलब क्या होता है? साइन ए एक नंबर है, कॉस बी एक दूसरा नंबर है, इनके बीच में कुछ भी नहीं, इसका मतलब क्या है? इन दोनों क्या कर रहे हैं हम लोग, इन ओके दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। वैसे कॉस ए एक नंबर आएगा, साइन बी एक सेकेंड नंबर आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ये यूज करते हुए हम लोग कुछ निकालने का ट्राई करते हैं। पहले हम लोग ट्राई करते हैं साइन ऑफ 15 डिग्री निकालने का। साइन 15 डिग्री ये निकालने के लिए ए कितना पुट करेंगे, बी कितना पुट करेंगे, ट्राई करो। ए क्या होगा, बी क्या होगा? 45 माइनस 30। ए को 45 पुट कर सकते हैं और बी को 30 पुट कर सकते हैं। ठीक है, कर लो, देखते हैं क्या आता है। साइन 15 डिग्री, ए को 45, बी को 30, ताकि डिफरेंस 15 हो गया। और ये स्टैंडर्ड एंगल, इनका हमको पता है कि साइन क्या है कॉस क्या है, यूज कर सकते हैं। बस फॉर्मूला में पुट कर दो, जहां जहां ए है वहां 45 पुट कर दो, और जहां जहां बी है वहां 30 पुट कर दो। वैल्यूज याद है? साइन 45 हाउ मच? 1/√2। 1/√2। कॉस 30 कितना होता है? 2 3 8। साइन 45 1/√2 पुट करते हैं, कॉस 30 को √3/2 माइनस कॉस 45। सर 0 1/√2 आंसर आना। 0 आंसर आ रहा है, लगता है तुमने कुछ मिस्टेक कर दिया। रिद्धि बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी, साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी रिद्धि? 30 √3 साइन 30 √3/2। नहीं, गलत है, साइन 30 1/2 होगा। साइन 60 √3/2 होता है। साइन 30 इज हाफ, साइन 60 इज √3/2। ओके दीदी, इसलिए तुम्हारा गलत आ रहा था। यस सर। √3 − 1/2 √2। यस, ये जो वैल्यू निकल के आएगी ये आ जाएगा, इधर तो √3 आ गया, नीचे 2√2, ये आंसर आ रहा है √3/2√2 माइनस 1/2√2। 2√2 तो चलो एलसीएम 2√2 ही आ जाएगा इसका, ऊपर √3 − 1 हो जाएगा। फाइनल आंसर इक्वल टू √3 − 1/2√2।
पता नहीं यहाँ पेन चल पाएगा या नहीं, ट्राई करते हैं। नहीं चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। ये कहाँ लिख दूँ, ये इसको रेस करते हैं। साइन 15 डिग्री की वैल्यू आ रही है √3 − 1/2। दिस इज इक्वल टू साइन 15 डिग्री। ये आंसर सबका आ गया, साइन 15 डिग्री √3 − 1/2। यस सर, बहुत अच्छा, यस सर। अगर तुम लोग चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो। जो तुमने साइन 150 निकाला था ना पहले, साइन 150 को तुम 180 − 30 लिख के अब ट्राई कर सकते हो। यस सर। आंसर पिछली बार सर गलत, इससे तो 1/2 आए। इससे 1/2 आ जाएगा। तो ये हो गया। तो अब हम लोग एक रूल सीखेंगे, इसको मैं इरेज कर सकता हूँ जो लिखा है अभी, तो सब कुछ इसको इरेज कर सकते हैं। यस अब हम लोग एक नया फॉर्मूला पढ़ेंगे, साइन ऑफ −θ क्या होता है। साइन ऑफ −θ का फॉर्मूला पढ़ते हैं। −θ करने के लिए बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा, ए को क्या पुट करेंगे, बी को क्या पुट करेंगे, −θ करना है तो एक जगह क्या पुट कर सकते हैं। −θ का मतलब होता है 0 − θ, ठीक है ना। कहीं माइनस लिखा है, −5 मतलब क्या होता है, 0 − 5 यही होता है ना। −2 का मतलब 0 − 2। वैसे ही अगर −θ है तो मतलब 0 − θ। ए को हम लोग 0 पुट कर सकते हैं और बी को थीटा पुट कर सकते हैं, और फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग साइन ऑफ a − b का। ट्राई करो क्या निकल के आता है, अगर ए को 0 पुट कर देंगे, बी को थीटा पुट कर देंगे तो क्या निकल के आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आने वाला है। ए को 0 पुट कर देंगे, बी को थीटा पुट कर देंगे और पुट करते हैं क्या आता है आंसर, साइन ऑफ a − b। इज इक्वल टू sin 0 cos θ −cos 0° मल्टीप्लाइड बाई sin θ, ऐसा कुछ। sin 0° की वैल्यू कितनी होती है, sin 0 जीरो इज 0, 0 मल्टीप्लाइड बाई एनी नंबर इज 0। फर्स्ट टर्म तो 0 आ गया। जीरो cos 0 कितना होता है, वन cos 0 is 1 मल्टीप्लाइड बाई sin θ, 1 मल्टीप्लाइड बाई sin θ है, ठीक है। और फर्स्ट टर्म तो 0 है, इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ −sin θ आने वाला है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिजल्ट, साइन ऑफ −θ इज एक्चुअली इक्वल टू −sin, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। और −θ का मतलब क्या होता है, कोई अगर −θ कहता है उसका मतलब क्या होता है। अगर किसी ने बोला कि साइन ऑफ −30 निकाल के बताओ, एक्चुअल में उसका मतलब क्या है, −30 का मतलब, ये हमने कल की क्लास में डिफाइन किया था ना, एंगल हम लोग कैसा मानेंगे। पॉजिटिव एंगल जब रखते हैं इसका मतलब हम लोग ये मानते हैं कि हम लोग जो रोटेट कर रहे हैं लाइन को, अगर +30 बोला तो मतलब हम लोग ऐसे ऊपर 30 लेके जाएंगे, बट अगर −30 बोला तो हम लोग कैसे ले जाएंगे लाइन को, सो क्लॉकवाइज घुमाना है, क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी घूमते हैं ना वैसे ओके क्लॉकवाइज में जाएंगे 30। दिस इज कॉल्ड एस −30। अगर एंगल 30 डिग्री क्लॉकवाइज रखा गया है देन इट इज कॉल्ड एस −30। ये कौन से क्वाड्रेंट में है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है। साइन ऑफ −30 विल बी एक्चुअली इक्वल टू, इस फॉर्मूला को डायरेक्टली अप्लाई करेंगे तो साइन ऑफ −30 इज इक्वल टू −sin 30। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज 1/2, ये आ जाएगा −1/2। थोड़ा थोड़ा समझ में आया क्या करना है, कैसे करना है, यस या नो। यस सर, हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था वो तुम्हें याद है, कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन सा होता है, यस सर, याद रखना है। तो देखेंगे क्या होगा, वो यहाँ तक कॉपी हो चुका है, रेस कर दूँ।
कॉपी किया, थोड़ा टाइम लगेगा। सिर्फ टाइम दे दो। हेलो कॉपी। साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और निगेटिव एंगल्स का मतलब होता है क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं उस एंगल को, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट कर रहे हैं और क्लॉकवाइज जा रहे हैं, देन इट इज कॉल्ड एज निगेटिव एंगल्स। देखो हो गया, यश यस का डन हो गया, सुमन का भी हो गया, विद्युत तुम्हारा भी हो चुका है। सर। अब मैं अगर तुम्हें बोलूं कि तुम्हें कैलकुलेट को सब्ट्रैक्शन यूज करके तुम्हें कैलकुलेट करना है, यूजिंग सब्ट्रैक्शन कैलकुलेट करना साइन ऑफ 135 डिग्री यूजिंग सब्ट्रैक्शन, इसमें ए क्या पुट करेंगे और बी क्या पुट करेंगे अगर सब्ट्रैक्शन यूज करना है तो, यूजिंग सब्ट्रैक्शन इसमें ए क्या होगा बी, 180 माइनस 45। ए को 180 पुट कर सकते हैं और बी को 45 पुट कर सकते हैं। सही है, A180 B45 कर सकते हैं, इसके बाद वैल्यू पुट कर देंगे साइन ऑफ ए माइनस बी, दिस विल बी इक्वल टू, फॉर्मूला क्या बोलता है इसके बाद क्या होना चाहिए, साइन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस बी साइन ए कॉस साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी बी और कॉस माइनस, ए माइनस कॉस ए साइन बी। यस करेक्ट, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन, ये चीजें ना याद ऐसे ही होती है, प्रैक्टिस करते करते याद हो जाता है। सोचेंगे ना लोग लिस्ट फॉर्मूला का बना लेंगे, उसको याद करेंगे तो उसमें कंफ्यूजन बहुत होता है, एक फॉर्मूला को लो उसके बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, अपने आप याद हो जाता है। साइन 180 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन 180 की वैल्यू सीखा था थोड़ी देर पहले, जीरो साइन 180 को 0 पुट कर सकते हैं, ठीक है, 0 मल्टीप्लाइड बाई कॉस 45, कॉस 45 कितना हो जाएगा, 1/√2। 1 बाई रूट, अच्छा माइनस कॉस 180 कितना होता है, कॉस 180 -1 माइनस 1, और साइन 45 1 बाई रूट, साइन 45 इज ऑल्सो 1/√, फर्स्ट टर्म तो 0 हो गया, अगला टर्म माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 1/√, इसकी वैल्यू हो गई प्लस √2। और क्वाड्रेंट से देखो मैच कर रहा है क्वाड्रेंट से, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, 135 कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट साइन कैसा होना सेकंड चाहिए, पॉजिटिव, पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव आंसर आया हमारे पास। किसी भी फॉर्मूला को यूज करो, मैथ इतना रिग्रेस होता है कि तुम कैसे भी यूज करो पहुंचोगे सेम आंसर पे, चाहे कोई सा भी मेथड यूज कर लो, कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर लो, अगर फॉर्मूला सही अप्लाई किया, अगर तुमको फॉर्मूला सही से आता है, फॉर्मूला को सही अप्लाई किया, तुम सेम आंसर पे ही आओगे हमेशा, ऐसा कभी नहीं सकता कि इस फॉर्मूला से कुछ और आंसर आ रहा है, उस फॉर्मूला से कुछ और आंसर आ रहा है, ये कभी पॉसिबल नहीं है। तो वैसे ही किसी और एंगल को निकाल सकते हैं, अगर मान लो कि मैं तुम्हें बोल दूं साइन 300 निकालना है, साइन 300, साइन 300 निकालने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी 360 डिग्री की, तुम्हें पता है 360 का मतलब क्या होता है, 360 जीरो मतलब कंप्लीट सर्कल। एक कंप्लीट सर्कल, ये 0 के जैसा ही हो गया, 360 इज एज गुड एज 0, तो मतलब साइन 360 कितना होना चाहिए, दिस विल बी 0, एंड कॉस 360 कितना हो जाएगा, दिस विल बी वन यस साइन 360 जीरो कॉस 360 1, ये यूज कर लो और साइन 300 निकाल।
कोई अगर एडिशन यूज करना चाहे तो एडिशन यूज कर सकता है, सब्ट्रैक्शन यूज करना चाहे सब्ट्रैक्शन यूज कर सकता है। तो एक काम कर लेते हैं सुमन, तुम कौन सा तरीका यूज कर, एडिशन सब्ट्रैक्शन कौन सा यूज करना चाहोगे, दोनों वाले यूज कर लो, तुम क्या करना चाहोगे? सर एडिशन तुम एडिशन कर लो। तुम किस तरीके से उसको ब्रेक करोगे, 270 30, 270 एंड 30? यस सर एंड सुयश तुम सब्ट्रैक्शन कर लो। सर हाँ रिधि, तुमने ये कॉपी किया था या मिस हो गया था? मिस हो गया बस 1 मिनट। साइन ऑफ 135 डिग्री निकाला हमने यूजिंग सब्ट्रैक्शन, और सब्ट्रैक्शन के लिए ए को 180 डिग्री मान लिया, बी को 45 मान लिया, दोनों की वैल्यू पता है तो उसको यूज कर लिया। यस सर। से हो गया। हो गया अब इसके बाद एक और ट्राई करने के लिए मैंने बोला है, sin 300 निकालने के लिए मैंने बोला है, sin 300 ट्राई कर लो कि sin 300 क्या हो। sin 300 के लिए दो वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, तो मैंने अलग से लिखवा दिया है। sin 360 होता है 0 और cos 360 होता है 1। क्यों ऐसा क्यों होता है? बिकॉज 360 का मतलब क्या है, अगर तुम देखो 360 का मतलब, अगर एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दिया हमने, इसको हम लोग 360 डिग्री घुमाना चाहते हैं। इसका मतलब क्या होगा, 360 डिग्री घुमाने का मतलब ये 90 घुमा, ये 180 घुमा, ये 270 घुमा और ये 360 घुमा, मतलब जहां से स्टार्ट किया वहीं पहुंच गया, यानी कि 360 डिग्री का जो भी एंगल होगा दैट इज सेम एज 0 डिग्री। जो स्टार्टिंग का वैल्यू था ना वही था, एक सर्कल कंप्लीट हो गया उसका। इसके कारण जितने भी 360 डिग्री के एंगल्स होते हैं वो 0 डिग्री के इक्वल होता है। sin 360 मतलब sin 0 डिग्री की जो वैल्यू होगी यानी 0 ही होगा, cos 360 1 हो जाएगा कि वो इधर ही पॉइंट कर रहा है। ओके ये लॉजिक क्लियर है, हमने 360 को कैसे लिखा? यस सर। sin 360 जहां भी यूज करना है तो 0 यूज कर लेना, जहां भी cos 360 यूज करना है उसको 1 यूज कर लेना। sin 300 निकालने का ट्राई करना है यूजिंग सब्ट्रैक्शन, sin 300 यूजिंग सब्ट्रैक्शन करके देखो। सर cos 270 का वैल्यू क्या होगा? cos 270 का वैल्यू तुमको तो पता होना चाहिए, cos 270 की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी और कौन सा क्वाड्रेंट है, जब लास्ट क्लास में सीखा था हमने उसके हिसाब से तुम यूज कर लो। थर्ड थर्ड क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट का बाउंड्री है ये, यहाँ पे दोनों में क्या होगा? cos 270 बोल रहे हो ना तुम? यस सर कॉस्ट भी cos 270 तो cos of 180 plus 90 होगा ना वो बेसिकली। और मैंने तुम्हें क्या बताया था कि जब 180 plus थीटा होता है उसकी वैल्यू किससे मैच करनी चाहिए, cos थीटा से मैच करनी चाहिए वैल्यू। अगर से वैल्यू देखें साइन को तो अलग से निकालेंगे लेकिन वैल्यू मैच करनी चाहिए ना। और cos 90 होता कितना, यस cos 270 cos 90 इक्वल होगा, cos 90 कितना होता है, cos बोल रहे 90 जीरो जीरो, यानी cos 270 भी 0 होना चाहिए। सही है, ये बाकी लोगों के काम का नहीं है, बाकी लोग अलग से करना, सुमन कुछ और कर रहा है ट्राई तो वो उसके हिसाब से कर, ठीक है? तुम लोग बाकी लोग इसके लिए परेशान मत होना। सर। -3/2, -√3/2। -√3/2 बिल्कुल सही है, -√3/2 का भी सेम आया। अरे यस सर। वाह, तुम लोग सब तो सीख गए, बहुत अच्छा। sin 300 डिग्री इज -√3/2, बिल्कुल सही किया तुम लोगों ने। मतलब sin of a + b, sin of a - b यूज करना तुम लोग सीख गए। अब नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे एक नया फॉर्मूला, सिमिलर टाइप का फॉर्मूला जो कि cos में होता है, cos a + b।
कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला देखते हैं क्या होगा। ये हो जाता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ऑफ ए प्लस बी होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। इसको यूज करते हुए कॉस का कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग, अगर एडिशन के हिसाब से निकालना है तो। इसको यूज करते हुए हम लोग ट्राई कर सकते हैं निकालने का कॉस ऑफ 120 डिग्री। सबसे इंपॉर्टेंट एंगल, सबसे इंपॉर्टेंट कॉस का जो वैल्यू है 120, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। यही निकाल लो कॉस 120 कितना होगा। इसके लिए हम लोग एंगल क्या यूज कर सकते हैं, ए को क्या रख सकते हैं, बी को क्या रख सकते हैं, अगर कॉस 120 निकालना है तो। 60 प्लस 60 60 प्लस 60 कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। ए को 60 रख दो, बी को भी 60 रख कर सकते हैं। ये ट्राई करो, कुछ न्यू बताया रिद्धि ने, इसको ट्राई कर करो, आ जाएगा, इससे भी आंसर आ जाएगा। नॉर्मली हमारा दिमाग चलता है 90 और 180 में ना, रिद्धि ने बहुत अच्छा एक और बताया, जो 60 एंड 60 रख के ट्राई कर, देखो उससे मैच करता है कि नहीं। कॉस ए प्लस बी कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। हाँ बिल्कुल, कॉस ए मल्टीप्लाइड बाई कॉस बी माइनस साइन ए मल्टीप्लाइड बाई साइन बी। तो कॉस ए मतलब कॉस 60 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई कॉस बी, वो भी कॉस 60 डिग्री हो जाएगा। कॉस 60 कितना होता है, 1/2 कॉस ए मतलब 1/2, कॉस बी मतलब वो भी 1/2, ऐसा ही है ना। सर। माइनस अगली बार साइन 60 मल्टीप्लाइड बाई साइन 60। साइन 60 कितना होता, सर आंसर है -1/2। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है। ये -2/4 निकल के आ रहा है, जो कैंसिल होकर -1/2 बन जाए। ये मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में लिखवाया था, कॉस 120 -1/2 होता है। अब तुम यस सर। निकाल पा रहे हो, बहुत सारे अलग अलग तरीके से निकाल सकते हो सेम आंसर को, जैसा मर्जी ब्रेक करना, 120 को ब्रेक कर लो, उसके अकॉर्डिंगली यूज कर लो। 60 प्लस 60 के हिसाब से निकाल लिए, -1/2, बहुत अच्छा। अब हमारे दो जो नए स्टैंडर्ड एंगल्स हम लोग सीख रहे थे, एक स्टैंडर्ड एंगल था हमारे पास कौन सा, 75। जरा कॉस 75 निकाल के देखो क्या होता है, कॉस 75। इसके लिए ए को क्या पुट करेंगे, बी को क्या पुट करेंगे, और 75 और गेटिंग 75 डिग्री। ए क्या हो सकता है, 45 30 ठीक, ए 45 बी 30। 45 प्लस 45 25 निकालते हैं, निकाल लो। इस तरह की चीज़ें थोड़ा सा बेसिक अपना बिल्ड करके फिर 11th स्टार्ट करते हैं हम लोग। 11th से पहले थोड़ी बहुत बेसिक्स आनी चाहिए। ये मेनली 11th का ही टॉपिक है, जो हम लोग पढ़ रहे हैं सारा कुछ 11th का टॉपिक। लेकिन होता क्या है ना कि 11th में मैथ्स में पढ़ते हैं ये सारा कुछ, बट फिजिक्स में वो सोचते नहीं कि तुम कब पढ़ने वाले हो मैथ्स, वो बस अपना इंडिपेंडेंटली अप्लाई करते रहते हैं। और फिजिक्स में कुछ ऐसी चीज़ें भी यूज होती हैं जो मैथ्स में 12th में पढ़ाया जाता है, वेक्टर्स एंड कैलकुलस, वो फिजिक्स में स्टार्टिंग से यूज होता है, बट मैथ्स का वो चैप्टर हाँ ट्रिग्नोमेट्री सर, वेक्टर्स पढ़ना दीजिए। के बाद ही वेक्टर्स कर सकते हैं, क्योंकि वेक्टर्स में ट्रिग्नोमेट्री पूरा यूज होता है। वेक्टर पहले से करके रखो, वेक्टर कर लो, कैलकुलस कर लो, लॉगरिदम कर लो, ट्रिग्नोमेट्री कर लो, उसके बाद तुम्हें फिजिक्स इतना टफ नहीं लगेगा। आंसर है रूट थ्री कितना, माइनस वन टू बारी बारी से बताओ, रिद्धि तुम रूट बताओ, थ्री नहीं रिद्धि तुम माइनस बताओ। वन √3 -1, ठीक रूट थ्री माइनस वन बाय 2 रूट 2। है। तो कॉस 75 की वैल्यू निकल के आ रही है √3 -1/2 √2, सबका सेम आया है। यस
इस आंसर तक पहुंचने का एक और रूल भी है हमारे पास। कौन सा रूल है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का रूल, जो लास्ट क्लास में हमें पढ़ रहे थे। कॉस 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होना चाहिए? दिस शुड बी इक्वल टू साइन थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, मतलब साइन 15 एंड कॉस 75 इक्वल होना चाहिए। सही है ना? तो ये रूल सेटिस्फाई हो रहा है। ये वाला एरो नहीं यूज यस कर, सर। दूसरा एरो यूज कर। ये रूल है कॉस 75 एंड साइन 15 इक्वल होना चाहिए। क्यों इक्वल होना चाहिए? बिकॉज ये दोनों एंगल्स आपस में कैसे हैं, ये दोनों एंगल्स आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है। चेक करते हैं 75 प्लस 15 कितना बनता है। 75 एंड 15 90 बनता है ना, मतलब ये दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री है। जो दो एंगल्स को ऐड करके 90 बनता है उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। एक का जो कॉस होगा ना वो दूसरे का साइन होगा, और एक का साइन दूसरे का कॉस होगा। क्लियर बात? कॉस 75 साइन 15 के इक्वल है, और साइन 75 कॉस 15 के इक्वल होगा। साइन 75 हमने पढ़ा था ना थोड़ी देर पहले, वो जब कैलकुलेट करेंगे तो कॉस 15 के इक्वल होगा। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का प्रॉपर्टी। इसके अकॉर्डिंग कॉस 15 कितना होना चाहिए, बिना कैलकुलेट किए बता रहे हैं, बाद में कैलकुलेट करेंगे तो उसका आंसर सेम ही आएगा। कॉस 15 अगर कैलकुलेट करोगे तो उसकी वैल्यू आएगी √3 प्लस 1/2 रूट। कॉस 75 आया √3 माइनस 1/2 रूट 2। कॉस 15 अभी किया नहीं है हमने, बस हमने लिख लिया है, वो √3 प्लस 1/2 रूट 2। सब्ट्रैक्शन वाले फॉर्मूला से निकल के आएगा, वो एडिशन से नहीं आएगा, वो सब्ट्रैक्शन से आएगा। ओके, सब्ट्रैक्शन अभी हमने सीखा नहीं, हमने सिर्फ एडिशन का फॉर्मूला किया है। यहां तक डन? यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं? बताना कि सब कुछ क्लियर था जो हमने अभी कॉस यस सर, कॉस में हम लोग ये कर सकते हैं। यस सर, कॉस में कुछ और बड़े एंगल्स निकाल सकते हैं, कॉस 300 निकालना चाहेंगे तो क्या आएगा? कॉस 300 डिग्री। ट्राई करते हैं निकालने का, कॉस 300 डिग्री कितना होगा। ये 11th के बिल्कुल लास्ट चैप्टर में तुम्हारे काम आएगा। 11th में फिजिक्स का जो लास्ट चैप्टर होगा ना उसमें ये काम आएगा, कॉस 300। सुमन तुम मैथ्स लेने वाले हो या नहीं लेने वाले हो एक्स्ट्रा में? क्या प्लान है? सोच रहे हो मैथ्स लेने का? ज्यादा हो जाएगा। आवाज नहीं आ रही क्लियर? नो सर। नो? अच्छा, फिर तो तुम्हारे लिए बहुत रिक्वायर्ड है। कॉस 300, तो कॉस 300 निकालने के लिए हम लोग ए क्या पुट कर सकते हैं, बी क्या पुट कर सकते हैं? 360 माइनस 60। 60 माइनस 60, बहुत अच्छा। लेकिन ये तो सब्ट्रैक्शन हो गया ना, 270 एंड 30। ये जब मैंने ज्यादा बड़ा एंगल दे दिया, इसको एक बार में करने में प्रॉब्लम आ सकती है तुम्हें। इसको लिख सकते हैं 180 और समथिंग। तो उसको 270 और 30 भी तो कर सकते हैं। 270 एंड 30 कर सकते हैं, बट तुमको 270 की वैल्यू पता है? कर सकते हैं, बट तुमको 270 की वैल्यू पता है? साइन 270 एंड कॉस 270। साइन टू यस सर, सेवेंटी को कॉस सर 90 का जो वैल्यू होगा वो कॉस का होता माइनस वन होता है, कॉस का होता है जीरो। कॉस 270 तो हो जाएगा 0, और साइन 270 हो जाएगा माइनस। माइनस वन ये यूज करके कर सकते हो अगर ये पता हो तो, बट अगर इनकेस ये नहीं पता है तो फिर ऐसा कर सकते हैं कि 180 एंड 120 तो कर सकते हैं। यस सर। 300 को 180 और 120 में ब्रेक कर सकते हैं। 120 हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं इसलिए अभी निकालना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो 180 एंड 120 ट्राई कर लो। सभी लोगों को ये वाला वैल्यू पता है तो उसके अकॉर्डिंगली कर लो 180 एंड 120 के टर्म्स। देखो थोड़ा चैलेंजिंग होता है क्या?
180 एंड 120 के साथ। ये फॉर्मूला कितने बड़े बड़े एंगल्स के लिए वैलिड है, जो फॉर्मूला हमने लिखा ना, चाहे कितने ही बड़ा एंगल हो, सबके साथ इसको यूज कर सकते हैं। कॉस ऑफ 180 प्लस 120, ये हो जाएगा कॉस 180 डिग्री, कॉस 120 डिग्री माइनस साइन 180 डिग्री, साइन 120 डिग्री। कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 180 दिस इज हाउ मच, याद है कॉस 180 कितना होता है? वन माइनस वन, कॉस 180 इज माइनस वन। एंड कॉस 120 कितना निकाला था थोड़ी देर पहले निकाला था, कॉस 120 इसकी वैल्यू कितनी आई थी, -1/2। माइनस वन बाई टू। ओके, सेकेंड टर्म में साइन 180 आ रहा है, साइन 180 कितना होता है, जीरो साइन 180 इज जीरो, सेकेंड टर्म तो पूरा जीरो हो जाएगा। और इनको मल्टीप्लाई करना है, कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब, इसके बीच में मल्टीप्लीकेशन है। तो माइनस वन और माइनस वन बाई टू को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, प्लस वन बाई वन टू। यस, फाइनल आंसर इज जस्ट प्लस वन बाई टू। तो ये तीन नए फॉर्मूले आज हमने सीखे, इसको यूज करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस ट्राई कर लिए, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया होगा इन फॉर्मूला के ऊपर जो आज सीखा है। बाई यस सर, ज्यादा टफ नहीं है ना, आसान लग रहा है, डिफिकल्ट तो नहीं है। सर कुछ क्वेश्चन दे दीजिएगा रफ्तार बनाने की। दोहराने के लिए अभी हम लोग एक्चुअली स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं, जब थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे ना तब तुम्हारे पास सॉल्व करने के लिए बहुत काफी क्वेश्चंस हो सकते हैं। और इम्पोर्टेंट है कि जो पुराना क्लास में हुआ है उसको सब लोग देख लो एक बार, उसके बाद ही मतलब मैं क्वेश्चन देख पाऊंगा, है ना। तो रिद्धि भी अगर क्वेश्चन लास्ट क्लास वाला जो लेक्चर है उसको देख लेगी, उसके बाद फिर मैं तुम्हें कुछ और क्वेश्चन दे दूंगा होमवर्क प्रैक्टिस करने। ठीक है रिद्धि, तुम अपना 10 to 70 क्या होगा? टेन टेन डिवाइड करना है, टेन आता है डिवाइड करने से, डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा इनको डिवाइड करने के टाइम, तुम्हें पता है 90 पे क्या होता है, जब 90 निकालते हैं तो क्या प्रॉब्लम आती है, साइन 90 कितना होता है, कॉस 90 कितना होता है, साइन 9 to 1, cos 90 0। साइन 91 एंड कॉस 90 0, उनको डिवाइड करने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वन वन इज अनडिफाइंड। नॉट डिफाइंड। वही सेम स्टोरी यहाँ पे भी हो जाएगी, 10 to 70 भी नॉट डिफाइंड हो जाएगा, बिकॉज तुम जीरो से डिफाइंड डिवाइड करने का ट्राई कर। और एक्चुअली सिर्फ इतना नहीं है, कुछ और भी चीजें इसके अंदर काफी डीप होते हैं, नॉट डिफाइंड क्यों बोलते हैं, उसके अंदर बहुत डीप रीजन है। बट अभी फॉर द बिगनिंग जिससे तुम्हारा काम चल जाए उसके लिए बस तुम ये समझ सकते हो नॉट डिफाइंड। बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता, एक अलग से चैप्टर है पूरा, लिमिट्स करके एक चैप्टर होता है, लिमिट्स कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी मैथ्स में, तो लिमिट्स के अंदर पढ़ाया जाता है कि ऐसा क्यों होता है, तो क्यों बोलते हैं नॉट डिफाइंड, बट उस पर अभी नहीं जा रहे। अभी सिर्फ जान लो 10 to 70 नॉट डिफाइंड एंड 10 to 90 भी नॉट डिफाइंड। ओके सुयश, तुम्हारा आंसर मिल गया हाँ विथ ठीक ठाक रीजन, मतलब ये रीजन तुम समझ पाओ, है ना, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती कुछ बता दिया बस। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखा जाए, काफी आज के लिए इतना। यस सर, तो रिद्धि एक बार वो रिकॉर्डिंग देख करके मुझे ग्रुप में मैसेज करना कि तुमने देख लिया है, उसके बाद फिर मैं कुछ होमवर्क दे दूंगा। ओके सर, और तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा तो बता देना, फिर हम कल लोग डिस्कस करेंगे। क्लास है? हाँ हाँ कल क्लास रख लेते हैं, कोई किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है नेक्स्ट क्लास के लिए, कल क्लास रखते हैं ओके सेम टाइमिंग 4। सर, नो रिद्धि तुम्हें कोई प्रॉब्लम 4 PM पे, सर, कल क्लास 4 PM पे रख लेते हैं।